लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल की योगी को लेकर कही गई बात पर अब लोग भी चर्चा करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो बड़ा झटका लगा है अब उसकी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर आती दिख रही है। अब बीजेपी योगी फैक्टर कहां कमजोर रहा इस पर विचार करने की तैयारी में है। बीजेपी ने यूपी में 10 साल का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। न सिर्फ सीटों में गिरावट आई है बल्कि वोट शेयर भी काफी कम हुए हैं। कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे हैं। मोदी फैक्टर के अलावा लोकसभा चुनाव में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी फैक्टर कानून व्यवस्था विकास और आक्रामक हिंदुत्व को बीजेपी ने अपने अभियान का अहम हिस्सा बनाया था। पूरे चुनाव में बीजेपी की कैंपेनिंग में इसी की गूंज सुनाई देती रही थी, लेकिन अब लगता है कि योगी यूपी में बीजेपी के लिए उपयोगी नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि सपा नेता अखिलेश यादव ने अपने नारे पीडीए से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को टारगेट करने में सफलता हासिल कर ली। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि इन चुनावों में जीत का श्रेय योगी आदित्यनाथ को दिया गया था, इसलिए उन्हें इस निराशाजनक प्रदर्शन की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। बीजेपी के उम्मीदवारों का चयन एंटी इनकम्बेंसी को नजरअंदाज करते हुए किया गया था और ये पार्टी की यूपी में हार का पहला और सबसे बड़ा कारण था। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि योगी इस मामले में साफ बचे हुए हैं, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व के पास ही थी। सीएम योगी को लेकर पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस भी काफी हाई था। आपको बता दें कि इस बार यूपी में अपनी हार चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी योगी के उस कानून और व्यवस्था के मॉडल की प्रशंसा की, जिसने न सिर्फ राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया बल्कि औद्योगिक विकास में भी अहम भूमिका निभाई। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि डबल इंजन नैरेटिव राज्य में वोटर्स को लुभाने में नाकामयाब रहा। हैरानी की बात तो ये है कि योगी पार्टी के सबसे अधिक मांग वाले स्टार प्रचारकों में से एक थे, जिन्होंने लगभग 170 रैलियों को संबोधित किया। इसमें यूपी ही नहीं बल्कि बाहर के राज्यों की भी रैलियां शामिल हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वो आरोप फिर से चर्चा में है, जिसमें केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी योगी के पर कुतर देगी। बता दें, यूपी में अखिलेश का नारा ही नहीं बल्कि इस बार ठाकुर भी सीएम योगी से नाराज बताए जा रहे थे। चुनाव के दौरान ठाकुरों के विरोध प्रदर्शनों में योगी का नाम सामने आया था, जिसका सीधे तौर पर फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। देश दुनिया के ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।